हेलो गाइज, मेरा नाम रवीश है और आज मैं आपको वसल विलाज में नाइट का व्यू दिखाता हूँ। वैसे तो यहाँ पे जो है आप फ्रंट गेट से जब आएंगे तो टोटल जो है 62 बिल्डिंग है। एक तरीके से देखा जाए तो पूरा जो है ना सोसाइटी की तरह है। इसके अंदर फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, मतलब देखा जाए तो रिटेल स्टोर भी है, जिम है आपका, और पार्क है, दो तीन अलग अलग पार्क है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी बहुत सारे खेलने के लिए इन्होंने बना रखे हैं। तो मतलब इतना अच्छा है अंदर का व्यू है ना। और ये दुबई शारजा के बीच में पड़ता है तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है ना कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मोस्टली सारे कार वाले हैं, मतलब अच्छे लोग हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि क्या आप एजेंट हैं, मैं बोला नहीं मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं तो एज ए वीडियो बनाता हूँ। ये देखिए वसल विलास का जो है ना यहाँ पे ऑलरेडी बोर्ड लगा हुआ है, तो आप वहाँ पे राइट साइड में आ करके यहाँ पे बिल्डिंग है, वहाँ पे बिल्डिंग में जा करके आप पता कर सकते हैं। मंडे टू सैटरडे जो है इनका ऑफिस ओपन रहता है तो वो आपको बिल्डिंग वगैरह दिखाते भी हैं और उनका कोई एक्स्ट्रा कमीशन वगैरह नहीं रहता है। वसल विलास जो है ना बहुत अच्छा लगा मुझे। ये जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ ये रिटेल स्टोर है, इसमें जो है स्विमिंग पूल और जिम का फैसिलिटीज़ भी है और बारबेक्यू भी कर सकते हैं यहाँ पे। मोस्टली सैटरडे संडे के दिन बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि इधर आकर के बारबेक्यू करें, अभी तो वेदर उस हिसाब से अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ जब थोड़ा वेदर अच्छा हो जाएगा ना तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आके बारबेक्यू करेंगे और वो भी फ्री है, आप इजीली यहाँ पे आकर के कर सकते हैं। और ये सामने जो है रिटेल स्टोर वो भी अभी कुछ दिनों के अंदर ओपन हो जाएगा, मे बी शायद इस महीने ही ओपन हो जाए, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे बड़ों के लिए भी खेलने के लिए है, जैसे कि मैंने आपको बताया और दिखा भी देता हूँ मैं आपको, तो बास्केटबॉल हो गया और फुटबॉल वगैरह, मतलब आप यहाँ पे खेल सकते हैं। और इवनिंग के टाइम में बहुत सारे लोग पार्क में आते हैं, पार्क जो है काफ़ी बड़ा है, बच्चे भी यहाँ पे आते हैं और बड़े भी यहाँ पे आते हैं घूमने टहलने के लिए। वेदर थोड़ा अच्छा हो जाएगा तो बहुत सारे लोग आएंगे और ग्रीनरी भी है। जब मैं आया तो अचानक से उस समय पानी चालू हो गया, तो मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है पार्क का। और वसल विलास को इस हिसाब से बनाया गया है ना कि यहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज जो है आकर के अपने लोग रहें, और यहाँ बगल में जो है स्कूल भी ओपन होने वाला है तो उसका भी जो है कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा आपको। रिटेल स्टोर भी ना काफ़ी बड़ा है, अंदर से देखा जाए तो बहुत बड़ा है और जिम वगैरह फैसिलिटीज़ भी है। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपका जो है ना बिल्डिंग्स है टोटल, राइट साइड में जो मैंने आपको दिखाया है वहाँ पे मस्जिद है तो वहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ने के लिए जा सकते हैं। और पार्क का जो है नाइट व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे बच्चे खेलने के लिए आते हैं, अभी थोड़े कम है क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा रात में आकर के बना रहा हूँ तो अभी थोड़ा कम है यहाँ पे, लेकिन मोस्टली इवनिंग के टाइम में 6 बजे 7 बजे के दरमियान में बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं फैमिली के साथ। और ग्रीनरी आप देख रहे हैं, ये नाइट व्यू है तो आप देख लीजिए कि किस हिसाब से है। ये बिल्डिंग जो है कुछ चालू भी हो गया है, लाइट्स वगैरह देखिए ऑन है, तो यहाँ पे आप जो है आकर के बुक कर सकते हैं। प्राइस के लिए जो है आप चेक कर सकते हैं, वसल विलास का जो पर्पल रंग का एप्लीकेशन है उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो वो भी आप जा करके चेक कर सकते हैं। और मेरे बिल्डिंग के सामने ये देखिए बहुत अच्छा छोटा सा पार्क इन्होंने बना रखा है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए भी बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ दिया गया है। ये जब भी राइट साइड में जाएंगे ना तो यहाँ पे कुछ पासपोर्ट जैसा है, मैं आपको बताऊंगा नहीं पासपोर्ट क्या है, लेकिन हाँ पासपोर्ट दबाएंगे तो आपका गेट खुल जाएगा और फिर आप अंदर जा सकते हैं। और मतलब डिलीवरी बॉय वगैरह आते हैं ना तो मतलब सेफ्टी को काफ़ी अच्छा ध्यान में रख करके इन्होंने काफ़ी अच्छा उस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। मैं यही बोलूँगा कि आप यहाँ पे आएँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप जो है वॉच नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियोज़ भी देख पाएंगे।